वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 दिसंबर 2019 और 17 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो राष्ट्रीय विजय दिवस है ये मनाया क्यों जाता है? तो 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उस युद्ध पर इंडिया ने विजय हासिल की थी, यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, इसीलिए हर साल 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था वो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था और इसी की याद में हर साल 16 दिसंबर को ये राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1971 में ही इसी युद्ध के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया गया। क्या कर दिया गया? जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 का ताज किसने जीता है? तो अभी टॉनी एनसिंग ने मिस वर्ल्ड 2019 का ताज जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं टॉनी एनसिंग, ये जमैका की हैं। कहां की हैं? जमैका की, और इन्होंने ही मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। तो टॉनी एनसिंग फर्स्ट नंबर पर आई हैं। सेकंड नंबर पर आई हैं ओपेली मेजिनो, और इस बार की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? इस बार की मिस यूनिवर्स बनी थी जोजी बिनी टुंजी। कौन बनी थी? जोजी बिनी टुंजी, ये मिस यूनिवर्स बनी थी। अच्छा, मैंने आपको बताया टॉनी एनसिंग मिस वर्ल्ड 2019 बनी है, सेकंड नंबर पर आई हैं ओपेली मेजिनो, और थर्ड नंबर पर कौन रही है? थर्ड नंबर पर रही हैं अपने देश भारत की सुमन राव। कौन रही हैं? सुमन राव। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कई बार माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछा है। तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि दोनों की ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है। मिस वर्ल्ड को जो ऑर्गेनाइज करती है वो ऑर्गेनाइजेशन अलग है और जो मिस यूनिवर्स को ऑर्गेनाइज करती है वो ऑर्गेनाइजेशन अलग है। और दूसरा अंतर यह है कि जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होती है इसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि मिस वर्ल्ड में ज्यादा पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करते हैं और जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होती है उसमें कम पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दो बेसिक अंतर होते हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछा है। अगर आपके भी माइंड में कोई भी डाउट होता है, कभी भी कोई भी डाउट आए, तो आप इंस्टाग्राम पर तुरंत मुझसे पूछिए। इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कभी भी विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल मजीद टैबो ने किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल मजीद टैबो ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है अब्दुल मजीद टैबो ने, ये अल्जीरिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं और अब ये अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब ये राष्ट्रपति बने हैं अल्जीरिया के, तो अल्जीरिया मैप में पता होना चाहिए कि है कहां।
ये है मैप में अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जायरस। अल्जीरिया की करेंसी क्या है? अल्जीरिया दिनार। और अल्जीरिया के अभी प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नूरुद्दीन बेदुई। कौन है? नूरुद्दीन बेदुई। और अब अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, अब्दुल मजीद टैबो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है? तो अभी राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित की गई, यानी किस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। और ये जो राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक है, इसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसमें सबसे इंपोर्टेंट डिसीजन ये लिया गया है कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसका नाम बदल के अब अर्थ गंगा रखने का प्रस्ताव रखा गया है। हो सकता है जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट है उसका नाम बदल के अब अर्थ गंगा रख दिया जाए, लेकिन अभी ये सिर्फ प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता सिद्धार्थ काक का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो गीता सिद्धार्थ काक ये एक फेमस अभिनेत्री थी, यानी कि एक फेमस एक्ट्रेस थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थी गीता सिद्धार्थ काक, ये एक फेमस एक्ट्रेस थी और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी गुजरात की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो प्रेसिडेंट कलर सम्मान है, ये सम्मान हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुजरात पुलिस को दिया है। अच्छा, गुजरात पुलिस को ही क्यों दिया गया है? तो 59 वर्षों में गुजरात पुलिस का जो शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसी की वजह से गुजरात पुलिस को ये प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WDO किस शहर में वर्ल्ड डिजाइन प्रोटोपोलिस कार्यक्रम की शुरुआत करेगा? तो अभी WDO यानी कि वर्ल्ड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड डिजाइन प्रोटोपोलिस कार्यक्रम की शुरुआत करेगा बेंगलोर, यानी किस क्वेश्चन को ए ऑप्शन सही है। अब इसका क्या पर्पज है वर्ल्ड डिजाइन प्रोटोपोलिस का? तो शहर की प्रगति को नापना, शहर को और आकर्षित बनाना और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बेस पर डेवलप करना, इसीलिए ये वर्ल्ड डिजाइन प्रोटोपोलिस कार्यक्रम अभी बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ये बेंगलोर में शुरू किया जाएगा। लेकिन आप ये जो WDO टर्म लिखा है इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महानतम धावक पीटर स्नेल का निधन हुआ है? तो पीटर स्नेल ये मध्यम दूरी के एक फेमस धावक थे, और ये कहां के थे? ये न्यूजीलैंड के थे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये थे पीटर स्नेल। इन्होंने 3 बार ओलंपिक चैंपियनशिप जीती थी, यानी कि 3 बार के ये ओलंपिक चैंपियन थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है पीटर स्नेल। अच्छा, ये न्यूजीलैंड के थे, तो आप मैप में देखिए, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैसिंडा आर्डन। कौन है? जैसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सतत विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करने की घोषणा की है? तो अभी कोयला मंत्रालय ने सतत विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो कोल माइनिंग होती है, यानी कि कोयले की जो खुदाई होती है, तो जब खुदाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो खान होती है उसको बंद किया जाता है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से बंद न किया जाए तो उसका एनवायरमेंट पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए एक सतत विकास प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जो जब खान की क्लोजिंग होती है तो उस टाइम ये सजेशन देगा, और इस तरह से खान को क्लोज किया जाए जिससे कि एनवायरमेंट पर कम से कम एडवर्स इफेक्ट पड़े। तो इसीलिए ये सतत विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करने की घोषणा कर दी है कोयला मंत्रालय ने। अब बात कोयला मंत्रालय की है, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री और खनन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा मास्टरमाइंड का अनावरण किया है? तो अभी विश्वनाथ आनंद ने अपनी आत्मकथा मास्टरमाइंड का अनावरण किया, यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
ये नाम आपको याद रखना है, मास्टरमाइंड। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछ लेगा आपसे कि मास्टरमाइंड किसकी आत्मकथा है, तो आप याद रखिए विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद ने अपनी आत्मकथा मास्टरमाइंड का अभी अनावरण किया है, और इसको विश्वनाथ आनंद और खेल पत्रकार सुसान निन्न ने मिलकर लिखा है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, विश्वनाथ आनंद और सुसान निन्न, ये एक खेल पत्रकार है, इन दोनों ने मिलकर ये आत्मकथा लिखी है। तो आत्मकथा का नाम क्या है, मास्टरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल अर्थ ने विश्व के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करने का दावा किया है। तो अभी गूगल अर्थ ने वर्ल्ड के 98% पार्ट को कवर करने का घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गूगल अर्थ प्रेजेंट टाइम पे विश्व के 98% पार्ट को कवर करता है, यह दावा किया है गूगल अर्थ ने। गूगल की स्थापना कब हुई थी, 1998 में, और गूगल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। कौन है, सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास मित्र शक्ति 7 संपन्न हुआ है। तो अभी ये अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 7 अभ्यास संपन्न हुआ, यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये कहां संपन्न हुआ है, तो पुणे के ऑन द सैन स्टेशन पर भारत और श्रीलंका के बीच ये मित्र शक्ति 7 अभ्यास संपन्न हुआ है। अब ये श्रीलंका के साथ है, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, गोटाबाया राजपक्षे, और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्टेट है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट, स्पेलिंग आपको याद रखनी है, PALK, पाक स्टेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और इसी को पाक की खाड़ी और पाक जल डबरू मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाक की खाड़ी और पाक जल डबरू मंडल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत में लालीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो अभी रोहित शर्मा को भारत में लालीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 100 डे वर्क कार्यक्रम में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है, और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।